सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्या। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही कमाल का है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज होने वाला है। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल फ़ोन का टच टूट जाता है या टच काम नहीं करता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस माउस से अपने मोबाइल फ़ोन को चला सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन का टच नहीं मिलता है। दोस्तों, आज की डेट में इतनी सारी कंपनियां अपने देश में आ चुकी हैं जिसका सर्विस सेंटर अपने देश में नहीं है। दोस्तों, यदि आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है जिसका टच नहीं मिलता है तो आप इस माउस के माध्यम से अपने मोबाइल का इस्तेमाल 100% कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में जानना है, सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, किसी भी मोबाइल में माउस का प्रयोग करने के लिए आपको मार्केट से एक OTG केबल लेना पड़ेगा। ये OTG केबल है, ये आपको मार्केट में 20 से 25 या 30 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आप इस केबल के माध्यम से आप अपने मोबाइल फ़ोन में कार्ड रीडर का यूज कर सकते हैं, माउस का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम आपको माउस चला करके दिखाएंगे, उसके बाद एक ही साथ हम आपको कार्ड रीडर लगाने का तरीका बताएंगे, माउस एक ही साथ लगाने का तरीका बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, ये माउस है और ये जो पोर्ट है ये USB हब बोलते हैं इसको। ठीक है, इस हब वाले में ये माउस का आपको ऐसे USB केबल लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट होता है इसे आप USB पोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन में आपको लगा देना है। दोस्तों, ये एंड्रॉयड फ़ोन बस 4G सेट में काम करेगा, जो माउस है ये बस 4G सेट में ये OTG केबल काम करता है। ठीक है, इसका आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यदि 3G फ़ोन है तो ये माउस कभी काम नहीं करेगा और ना ही ये OTG केबल काम करेगा। ठीक है, जैसे आप लगाएंगे तो यहाँ पे माउस में जो लाइट है वो जलने लगेगा और यहाँ पे देख सकते हैं माउस पॉइंटर आपके मोबाइल में शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ से किसी भी ऑप्शन को आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बैक आ सकते हैं, कोई सा भी नंबर आप डायल कर सकते हैं, 1 2 3 कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में यदि एक से अधिक और डिवाइस यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्केट से ये USB एक हब आता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये USB हब को इसमें लगा दीजिए। अब माउस को इसमें लगा दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं माउस को लगा दीजिए, ये माउस को लगा दीजिए। ये कार्ड रीडर है, इसमें मेमोरी कार्ड लगा करके आप इसको इसके अंदर लगा करके आप किसी भी डाटा को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने माउस को कहाँ लगाया है, देख सकते हैं इस हब में, और इस हब का जो केबल है इस OTG केबल में लगा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो माउस है वो काम करने लगा। ठीक है, आप इस तरीके से एक से अधिक आप डिवाइस इस हब के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी डाटा को कॉपी कर सकते हैं, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जैसा भी लगा इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि अभी तक हमारा चैनल मोबाइल टेक्निकल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो YouTube पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए, आपके कंप्यूटर पे जाए और आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।